हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर के बारे में चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स हेलो एरिंस इस वीडियो में हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे और मैं इसके सारे टॉपिक कवर करूंगा सबसे पहले अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स हेलो एरिंस की अगर आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जिनकी ब्रांच भी हो सकती है अगर उसके हाइड्रोजन को आपने हेलोजन से रिप्लेस कर दिया तो आपका बन जाता है एलकाइल हेलाइड और हेलो एल्केन सिमिलरली अगर आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है अगर आपने क्या किया उसके बेंजीन रिंग के कोई भी हाइड्रोजन को आपने हेलोजन से रिप्लेस कर दिया तो आपका बन जाता है एराइल हेलाइड और हेलो एरी नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एंड हेलो एल्किलोरिन इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मोनो हेलो कंपाउंड मोनोहेलो कंपाउंड में मतलब एक हेलोजन प्रेजेंट है ठीक है उसमें भी हम पहली क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग एसपी थ्री कार्बन नेक्स्ट टू द एक्स बॉन्ड जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है एक्स याद रखना हेलोजन है, हो सकता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन इन दोनों का जो बॉन्ड होगा उसमें जो कार्बन है अगर वो sp3 थ्री है तो इसकी हम पहली क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा आज है एल्काइल हेलाइट वेन हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप जब हेलोजन एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं एल्काइल हेलाइट अब याद रखना ये तीन तरह के होते हैं सबसे पहले में अगर आप देखोगे इसमें क्या है ये हेलोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये जो कार्बन होता है हेलोजन के यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन ठीक है अब अल्फा कार्बन के साथ अगर आप देखोगे एक एलकाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हेलाइट सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें क्या है ये हमारा हेलोजन है इसके साथ क्या है कार्बन जुड़ा हुआ है यह है अल्फा कार्बन अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 है इसके साथ क्या है दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड सिमिलरली इस कार्बन के साथ अगर तीन हमारे क्या जुड़े एल्काइल ग्रुप तो ये हो जाता है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एलाइलिक हैलाइड्स की एलाइलिक हैलाइड्स में भी क्या होता है हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन हेलोजन sp3 कार्बन के साथ अटैच है नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बट ये जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा तो ये वाला जो कार्बन होगा ये तो sp3 होगा बट उसके साथ वाला कार्बन क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज तो इस तरह के हम हेलाइट को बोलते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे बेंजाइलिक बेनजाइलिकेलाइट की बेंजाइलिक बेन्ट्स में भी क्या होता है हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन हेलोजन sp3 कार्बन के साथ जुड़ा है बट इट इज नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग वो एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेंजाइलिक बेंजाइलिकेलाइट

एलकाइली डीन और जेमिनल हेलाइट तो इसका नाम हो जाएगा क्योंकि इसमें दो कार्बन है क्लोराइड और शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं जेम डाइ हेलाइट याद रखना जेम मतलब कि एक कार्बन पे दो हेलोजन अटैच है नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्काइलीन डाई हेलाइट और विसिनल हेलाइट इसमें क्या होता है जो हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एजेसेंट कार्बन एटम एजेसेंट साथ वाले कार्बन एटम पे क्या होता है हेलोजन प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम बोलते हैं एलकाइलिन डेलाइड और विशनल डाइलाइड इसमें दो कार्बन है तो ये बन जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड और शॉर्ट में हम इसे लिख सकते हैं वीआईसी विकाईलाइड नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमिनक्लेचर की सपोज हमें तीन कार्बन कंपाउंड का दिया उसके साथ बी आर अटैच है तो इसे हम बोलते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड और वन ब्रोमो प्रोपेन इसका आयोपेक नाम है वो था इसका कॉमन नेम अगर हमारे पास तीन कार्बन है सेंटर कार्बन पे सीएल अटैच है तो इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ये हो जाएगा क्लोराइड और टू क्लोरोप्रोपेन और अगर हमें कंपाउंड ऐसे दिया चार कार्बन है ब्रांचिंग है और इस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है तो इसे बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड एंड वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन ठीक है अगर हमें कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है चार कार्बन है सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच है तो ये जो कार्बन होता है सेकेंडरी इसके साथ दो ग्रुप अटैच है इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और टू क्लोरो ब्यूटेन अगर हमारे पास ये कार्बन दिया हुआ है इसके साथ तीन ग्रुप अटैच है तो इसे बोलेंगे टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन अगर हम बात करें बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में कॉमन नेम आयोपे नेम भी हम यूज़ कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन आयोपैक नेम भी ब्रोमोबेंजीन अगर हमारा फर्स्ट टू पोजीशन पे है तो इसे बोलते हैं ऑर्थो ऑर्थोपोजीशन तो ऑर्थो ऑर्थोडाइब्रोमोबेंजीन फर्स्ट थर्ड पे होता तो मेटा होता और फर्स्ट फोर पे, पे पैरा ठीक है तो ये हो जाएगा वन टू डायब्रोमोबेंजीन अगर हमारे पास सपोज बी आर अटैच है वन थ्री फाइव पोजिशन पर तो इसे हम लिख सकते हैं सिम ट्राईब्रोमोबेंजीन और वन थ्री फाइव ट्राईब्रोमो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड कार्बन और जो का बॉन्ड है उसका क्या नेचर है याद रखना जो हेलोजन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज रिजल्ट कोवलेंट बॉन्ड में वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं पे था, डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन पे आता है डेल्टा पॉजिटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की याद रखना डाउन द ग्रुप क्या होता है साइज इंक्रीज होता है और बॉन्ड लेंथ क्या होती है इंक्रीज होती है तो आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो फ्लोरीन वाले कंपाउंड से क्या होगा लंबा होगा ठीक है सो इट विल बी लॉन्गर कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बॉन्डलेस ज्यादा होगा उसके बाद सी बी आर सी सी एल एंड सी एफ का बट बॉन्ड इनथेलपी क्या होता है कि जितना स्मॉल बॉन्ड होता है उतना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो सी एफ का बॉन्ड इंथेलपी हाई होगा उसके बाद सी सी एल सी बी आर और सी आई का क्योंकि सबसे बड़ा बॉन्ड है उसको ब्रेक करना ईजी है सो सी आई का बॉन्ड इंथेपी कम होगा नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डायपोल मोवमेंट की याद रखना डायपोल मोवमेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है एक होता है सेपरेटेड चार्ज और दूसरा डिस्टेंस पे फ्लोरिन का अगर हम बात करें उसका चार्ज ज्यादा है बट डिस्टेंस स्मॉल है क्लोरीन का थोड़ा चार्ज कम है बट डिस्टेंस ज्यादा है अगर ओवरऑल दोनों फैक्टर को देखा जाए तो हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया जो सी एस थ्री सी एल है इसका हाइएस्ट डायपोल होता है उसके बाद आता है सी एस थ्री एफ सी एस थ्री बी आर देन सी एस थ्री आई नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स इसमें हम पहला मेथड की बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल एल्कोहल से हम बना सकते हैं क्लोराइड ब्रोमाइड एंड एलकाइल आयोडाइड और मैंने ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट्स इनको डिवाइड किया सबसे पहले अगर आप एल्कोहल को एच और एनहाइड्रस एड एन के साथ रिएक्ट करते हो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आर सी एल प्लस एच टू ओ सिमिलरली एल्कोहल को अगर आप पी के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाएगा आर सी एल एच थ्री पी ओ थ्री एंड अगर आप पी सी एल फाइव के साथ रिएक्ट करोगे तो अगेन आपका आर सी एल एंड पीओ सी एल थ्री फॉर्म सब में क्या बन रहा है एल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म अगर हम बात करें बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड तो अगर हम एल्कोहल को SOCl2 टू के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है एल्कोहल जब रिएक्ट करता है तो हमारा एल्काइल क्लोराइड तो बनता है बट साथ में जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं SO2 टू एंड एच दोनों बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं गैसेस होते हैं एज ए रिजल्ट आपका जो अलकाइल क्लोराइड बनता है वो क्या होता है प्योर होता है क्योंकि गैसेस तो चले जाएंगे और हमारा प्योर प्रोडक्ट छोड़ जाएंगे सिमिलरली अगर आपको बनाना है RBr आर तो याद रखना इसमें हम एच बी आर डायरेक्टली जैसे हमने एच सी एल के साथ रिएक्ट में, में, नहीं करते हैं क्योंकि एच बी आर काफी रिएक्टिव होता है तो हम क्या करते हैं और H2SO4 को रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और रिएक्शन के बीच में क्या होता है हमारा एच बी आर बन जाता है ये एच बी आर एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आरबीआर बनाएगा तो कभी भी किसी रिएक्शन में अगर आपका रिएशन रिएक्शन के बीच में आता है तो इसे लिखते हैं हम इनसी टू तो इनसी टू एच बी आर से हमारा आरबीआर बन जाएगा सिमिलरली यहां पे हमने PCl3 यूज किया था यहां पे हम क्या करते हैं रेड फॉसफोरस और Br2 को रिएक्ट करते हैं इन दोनों की रिएक्शन से हमारा इन सी टू रिएक्शन के बीच में PBr3 बन जाता है और ये PBr3 बी के साथ रिएक्ट के RBr बनाता है सिमिलरली अगर आपको आर बनाना है हम क्या करते हैं के और एच को रिएक्ट करते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ के को रिएक्ट करेंगे हमारा बनेगा एच ये जो एच बनेगा इन सी बनेगा एच हमारा एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बनाएगा आर आई ठीक है इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एलकाइल आयोडाइड सिमिलरली अगर आपके पास यहां पे हमने बनाया था रेड फोस्फोरस प्लस आयोडीन रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ पी आई थ्री इन सी टू बनेगा ये और ये जो है ये एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आर आई बनेगा अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड की तो याद रखना एच आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैच बी आर देन एच सी एल क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना एच आई का ईजी होता है और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद हेलो एसिड एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ट्री एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव देन सेकेंडरी नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इसमें हम बात करेंगे फ्रॉम एल्केन एल्केन में हम बात करेंगे फ्री रेडिकल हेलोचिनेशन सपोज आपने ब्यूटेन लिया हुआ है इसने इसमें आपने क्लोरीन को लाइट और हीट किया तो याद रखना क्लोरीन के क्या बनते हैं फ्री रेडिकल बनते हैं और जो फ्री रेडिकल है वो हाइलोजन को क्या कर देते हैं जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट कर देते हैं उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन एज ए रिजल्ट अगर हम एक क्लोरीन को सब्सटीट्यूट करें तो हमारे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं या तो पहले कार्बन का हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाए तो हमारा बनेगा वन क्लोरोब्यूटेन या तो सेकंड कार्बन का टू क्लोरोब्यूटेन बन सकता है हम ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा बनेगा याद रखना ये आपको सीक्वेंस याद रखनी बेंजाइलिक और एलाइलिक जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन सबसे ईजिली डिस्प्लेस हो जाता है उसके बाद तर्शरी कार्बन का हाइड्रोजन एन सेकेंडरी अगर इन दोनों को देखोगे ये सेकेंडरी कार्बन है तो ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम एल्किन्स एल्किस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट सपोज आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आप एच आई एड कर रहे हो तो याद रखना अगर कोई रिएजेंट नहीं है तो हम यूज करते हैं मार्कोनिक रूल मार्कोनिक रूल क्या बताता है जो नेगेटिव पार्ट है जो जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट जैसे तो आयोडाइड आयन है जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैच हो जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है लेस है तो आई यहां पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोपेन नेक्स्ट अगर हमने सिमिलर कंपाउंड लिया हुआ है प्रोपीन लिया हुआ है एच के साथ रिएक्ट करे और साथ में हमें दिया परोक्साइड तो इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ सरूल और परोक्साइड इफेक्ट अगर परॉक्साइड दिया हुआ है और साथ में एच याद रखना ये रिएक्शन एच ही देता है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहां पे अटैच हो जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वन ब्रोमो प्रोपेन नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन है हमारा एडिशन ऑफ हेलोचन सपोज आपके पास इथीन है आपने ब्रोमीन एड किया इन प्लेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो इस ब्रोमीन का कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन तो ब्रोमीन जो होता है आप थोड़ी क्वांटिटी में लोगे वो ऐड हो जाएगा दोनों कार्बन पे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विशनल डाइब्रोमाइड साथ साथ वाले कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और सॉल्यूशन क्या होगा कलरलेस हो जाएगा ये जो हमारा टेस्ट है इट इज फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेन मतलब एंड ये टेस्ट दे सकते हैं नेक्स्ट हेलोजन एक्सचेंज हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है हम एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज कर सकते हैं इसमें सबसे पहली रिएक्शन है फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन इसमें हम ले सकते हैं एल्काइल हेलाइड ले सकते हैं जो एक्स है वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटोन हमारा बन जाएगा आइडो एल्केन प्लस एनए एक्स ठीक है तो इसमें एल्काइल आयोडाइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम्पल हमने लिया हुआ सी एस थ्री सी एस टू बी आर इन प्रेजेंस ऑफ एन ए आई एसीटोन की प्रेजेंस में हमारा बन जाएगा आईडो इथेन प्लस एन ए आर अब याद रखना इसमें हम एसिटोन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो एन ए बी आर बना है ठीक है और अगर हमने सीएल लिया होता तो एन एस एल बन जाता वो प्रेसिपिटेट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटोन एसिटोन के प्रेजेंस में वो प्रेसिपिटेट होता है आइडो प्रेसिपिटेट नहीं होता प्रेसिपिटेट होने से इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू द ली चटर प्रिंसिपल ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्वार्ड्स रिएक्शन की स्वार्ड्स रिएक्शन में भी क्या होता है एलकाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम फ्लोराइड से चेंज कर सकते हैं जैसे हमने ए के साथ रिएक्ट किया रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सी एस थ्री एफ प्लस ए तो इसमें हम फ्लोरो एल्केन या एलकाइल फ्लोराइड बना सकते हैं ठीक है और इसमें हम यूज करते हैं एल मेटेलिक फ्लोराइड जो रिएजेंट यूज करते हैं वो मेटेलिक फ्लोराइड हो सकता है ए ले सकते हैं एच जी टू और एस नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरिन सबसे पहले है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्सिट्यूशन रिएक्शन सपोज हमारे पास टॉलिन है हमने एक्स टू हेलोजन के साथ रिएक्ट किया इन एफ और एफ थ्री डार्क याद रखना ये लुइस एसिड है ये क्या करेंगे एज एक्स नेगेटिव को अटैच कर लेंगे हमारा एक्स प्लस बन जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल है और याद रखना जो टॉलिन है, है तो एक्स प्लस अटैच हो जाएगा अगर आप आयोडीन के साथ तो पोजिशन पे, तो पे तो ऑर्थो और, तो और पैरा पोजिशन पे आयोडीन अटैच हो गया बट रिएक्शन क्या हो जाती है रिवर्सिबल होती है कंसंट्रेशन हमें कम मिलता है साथ में एच आई मिलता है हम चाहते हैं कि कंसेंट्रेशन इसका ज्यादा बने तो हम स्ट्रॉन्ग एजेंट लेते हैं HNO3 HIO4 ये स्ट्रॉ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं एच आई को कन्वर्ट कर देते हैं आई टू में इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं इसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो होता है और प्रोडक्ट का इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन की सेंडमेयर रिएक्शन में हम लेते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हम ले सकते हैं यहाँ पे हमने एनिलीन लिया हुआ है एन ए एन ओ टू एच सी के साथ रिएक्ट करते हैं एट लो टेम्परेचर ऑफ 273 टू 278 केल्विन जैसे हम करते हैं तो हमारा बन जाता है, एक सॉल्ट बनता है एन टू प्लस अगर आप सी यू टू सी एल टू के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका क्लोरोन बनता है सी यू टू बी आर टू के साथ ब्रोमो बेनजीन और के आई के साथ आइडोपेन्न तो ये था हमारा सैंडमेयर रिएक्शन नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं गैसेस होते हैं अल्काइल हैलाइड्स के और हायर मेंबर्स आर लिक्विड एंड सॉलिड और याद रखना इसमें क्या होती है पोलैरिटी होती है हेलोजन अटैच होने की वजह से ये होते हैं इसमें पोलैरिटी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बॉलिंग पॉइंट का हमेशा याद रखना बॉलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मॉलिकुलर मास होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ब्रांचिंग होता है अगर हम बॉलिंग पॉइंट की बात करें ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव एंड पेरेंट हाइड्रोकार्बन सपोज आपके पास इथेन है और इसका हेलोजन डेरिवेटिव होगा क्लोरो इथेन तो याद रखना क्लोरो में क्या होगा डायपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा बॉन्ड होगा डायपोल डायपोल का और साइज जितना

ब्रांचिंग से याद रखना सरफेस एरिया डिक्रीज होता है सरफेस एरिया डिक्रीज होने से बॉलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो अगर आपके पास स्ट्रेट चेट कंपाउंड है अगर मॉलिकुलर मास सबका सेम है तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हाइएस्ट होगा और जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की हमने डाईक्लोरोजीन लिया हुआ है पैरा ऑर्थोबेटा ठीक है याद रखना पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये सॉलिड की फॉर्म में होता है और सॉलिड में याद रखना जो पैरा होता है वो सिमिट्रिकल होता है सिमिट्रिकल होने की वजह से वो क्रिस्टल लैटिस में इजिली फिट हो जाता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है और इसका मल्टीपॉइंट ज्यादा होगा नेक्स्ट जो हेलो एल्केन्स है वो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं ऐसा क्यों होता है अगर हम बात करें अल्काइल हेलाइट अल्काइल हेलाइट वो खुद के साथ डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनाता है वाटर खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अगर इसको सॉल्युबल होना है तो अल्काइल हेलाइट और हेलो एल्केन को वाटर के साथ बॉन्ड बनाना बट एक्चुअल में क्या होता है ये जो हेलाइड अल्काइल हेलाइट के बॉन्ड वाटर के बॉन्ड ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू जो एंड में वो बॉन्ड बनाएगा अल्काइल हेलाइट एंड वाटर का तो एज ए रिजल्ट वो सॉल्युबिलिटी शो नहीं करता नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इसमें क्या होता है एक न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो क्या करता है सपोज आपके पास सी एस थ्री एक्स यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा इसके साथ जुड़ जाएगा और जो हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा एज रिजल्ट क्या होता है एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है दूसरा हेलाइड आयन है वो रिमूव हो जाती है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन और जो रिमूव हो चुका है उसे बोलते हैं हम लिविंग ग्रुप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो आर आई ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आर बी आर आर सी एल एंड आर एफ ऐसा क्यों है क्योंकि आर आई का इजिली बॉन्ड क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं तो जो आरडाइड आयन है इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप इसलिए क्योंकि वो इजिली बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं अब डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्ट्यूशन रिएक्शन देखेंगे सपोज आपके पास एल्काइल के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो ओ एच नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाता है आर के साथ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल

जो ऑक्सीजन नेगेटिव है वो आर के साथ जुड़ जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल और अगर हम ए जी एनओ टू की बात करेंगे तो जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ जुड़ जाता है आर ग्रुप के साथ जुड़ जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आर एनओ टू नाइट्रो एल्केन ये हमारा है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड इसमें सी ओ ओ जो नेगेटिव है वो आर के साथ जुड़ के बनाया था हमारा एसट और लास्ट में हमारा है एनएस थ्री अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ के बना देता है अमाइन तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन अगर आप इन रिएक्शन में देखोगे जो साइनाइड है सी एन जो है वो कार्बन वाली तरफ से भी जुड़ सकता है नाइट्रोजन वाली तरफ से भी जुड़ सकता है सिमिलरली जो नाइट्राइल है एनओ टू वो ऑक्सीजन वाली तरफ से भी जुड़ सकता है नाइट्रोजन वाली तरफ से भी तो इसके दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो जिस भी न्यूक्लियोफाइल दो तरह से जुड़ सकता है उसे उसे हम कहते हैं एबीडियंट न्यूक्लियोफाइल नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले हमारा मैकेनिज्म है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय बायोलिकुलर रिएक्शन एस एन टू रिएक्शन और एस एन टू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये येकिंट ऑर्डर ऑफ कैंटिक्स पर डिपेंड करता है इसमें क्या होता है एक जो न्यूक्लियोफाइल है वो सी पे अटैक करता है कार्बन अल्काइल हलाइट के कार्बन पे अटैक करता है क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और याद रखना ये पिछली साइड से अटैक करता है क्योंकि सामने वाली साइड पे जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसको रिपेल करता है तो ये पीछे से अटैक करेगा इसके साथ जुड़ जाएगा तो एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेज आएगा जिसपे क्या होता है कार्बन के पांच बॉन्ड होते हैं एक तरफ ये बॉन्ड बना रहा है एक तरफ ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे ओ अटैच हो जाएगा सीएल नेगेटिव रिमूव हो जाएगा अब याद रखना इसे हम सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर काइटिक्स क्यों बोलते हैं क्योंकि जो इसका रेट है स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल हेलाइट दोनों की कंसेंट्रेशन पे स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अगर दोनों की कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज करोगे तो स्पीड डिक्रीज होगा ये ओवरऑल रिएक्शन होता है हमारा सिंगल स्टेप में एक स्टेप में ही रिएक्शन होता है जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट आता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और याद रखना इसमें होता है इन्वर्शन ऑफ द कन्फिग्रेशन सी एल यहाँ पे राइट right पे अटैच है और ओ एच OH यहाँ पे कहा अटैच पे है लेफ्ट साइड में तो अगर आप देखोगे जो न्यूक्लियो है उसकी कंफिग्रेशन इन्वर्ट हो गई तो देर इज इन्वर्शन ऑफ द कन्फिग्रेशन नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ठीक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी मीन कि कौन प्राइमरी टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कौन जल्दी इसमें रिएक्ट कर सकता है सपोज अगर आपने हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लिया होता जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है वो क्या करता है वो इस ओ एच नेगेटिव को रिपेल करता सो तो इसे हम बोलते हैं स्टेरिक स्टेरिकिंड्रेस तो जितने ज़्यादा एलकाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उतना ज़्यादा ओ OH एच को रिपेल्शन होता है सो एज ए रिजल्ट जो टर्चरी होता है सबसे कम रिएक्टिव होता है और प्राइमरी जो होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव बिकॉज इट हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेस सेकेंड मैकेनिज्म है हमारा सब्सिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर एस एन वन रिएक्शन ये रिएक्शन होता है इन पेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर एल्कोहल एस्टिक एसिड मतलब इसमें पोलैरिटी होनी चाहिए और ये H प्लस रिलीज कर सकते हैं मैकेनिज्म देखेंगे हमने टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है इसमें क्या हो रहा है स्लो स्टेप में क्या हो रहा है रिवर्सिबल स्टेप है पहला स्लो स्टेप है इसमें कार्बोकोटाइन बन रहा है और बी आर नेगेटिव रिमूव हो रहा है याद रखना जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो बी आर नेगेटिव को क्या करते थे सॉल्वेट कर देता है इसको सराउंड कर देता है इसका पॉजिटिव चार्ज एज ए रिजल्ट क्या होता है जो बी आर नेगेटिव है वो स्टेबल हो जाता है और रिएक्शन जाता है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेक्स्ट क्या होता है जैसे कार्बोकोटाइन बनता है सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और इसके साथ जुड़ जाता है तो ये टू स्टेप प्रोसेस है तो ये दो स्टेप प्रोसेस है इसमें क्या होता है का इंटरमीडिएट बनता है और याद रखना जब दो स्टेप का, का क्या रिएक्टेंट है तो मतलब रेट डिपेंड करेगा सिर्फ एक कंपोनेंट पे विच इज एल तो दैट इज वाईज एस एन वन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन अगर हम बात करेंगे की, क्योंकि कार्बोकोटाइन बन रहा है और हमें बताया जो होता है वो सबसे स्टेबल

सो so, इनकी जो कार्बोकोटाइन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाती है इनकी कार्बोटाइन काफी ज्यादा स्टेबल है सो दैट्स वाई देो एस एन वन नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इसमें हम बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सो लाइट होती है याद रखना वो हर एक डायरेक्शन में मूव करती है हम लाइट को पास करेंगे थ्रू निकोल प्रिज्म निकोल प्रिज्म से जब हम पास करेंगे तो याद रखना मोस्ट ऑफ द लाइट एबजॉर्ब हो जाएगी सिर्फ लाइट एक प्लेन में बच जाएगी उस लाइट को बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज लाइट जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है उस लाइट को हम पास करेंगे सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक कंपाउंड का सोल्यूशन लेंगे तो जो प्लेन पोलराइज लाइट है अगर वो रोटेट हो जाती है राइट right डायरेक्शन में तो उसे बोलते हैं उस कंपाउंड को बोलते हैं डेक्सटो रोटेटरी और डी फॉर्म और प्लस फॉर्म और अगर वो लाइट जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो लेफ्ट साइड पर रोटेट हो जाती है उसे हम बोलते हैं रोटेटरी एल फॉर्म और माइनस फॉर्म तो ये हो जाते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अब हमें कैसे पता चलेगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है हम देखेंगे एसिमेट्रिक कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच विथ फोर डिफरेंट सब्सिट्य एक एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन जिसमें चार सिग्मा बॉन्ड अटैच है उसके साथ क्या होगा चार डिफरेंट सब्सिट्यूट के साथ वो जुड़ा होगा तो उसे बोलते हैं काइरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है कोई भी कंपाउंड देखेंगे इसमें क्या ये कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल इथाइल एंड प्रोपाइल ग्रुप अटैच है तो ये कार्बन के साथ चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो इसे बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन इसे हम स्टार से डिनोट कर सकते हैं और ऐसे कंपाउंड हो जाते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लोगे सपोज आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है आपने उसका मिरर इमेज बनाया तो मिरर इमेज क्या होता है याद रखना नॉन सुपर इम्पोजिबल तो मतलब क्या थी अगर आप ये कंपाउंड इसके ऊपर रखोगे तो मिरर इमेज इम्पोज नहीं करेगी तो अगर ये कंपाउंड सपोज डेक्टो हुआ तो ये जो मिरर इमेज वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा लीवो और इस तरह के आइसोमर्स को बोलते हैं इनशियोमर्स सो स्टीरोस विद नॉन सुपर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल मिर इमेज है दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट तो एक अगर डेक्सरो हुआ तो दूसरा लीबो रोटेटरी हुआ तो इसे हम बोलते हैं इनशियोमर लास्ट है हमारा रेसिमिक मिक्सचर एक कंपाउंड कंटेनिंग टू इनशोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन सपोज हमने दोनों इनशियोमर को क्या लिया इक्वल प्रोपोर्शन में एक लीबो रोटेट करेगा डेक्सोरोट करेगा तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी एल से और प्लस एन माइनस अब याद रखना है मिक्सचर होता है इसमें दोनों कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं एक लेफ्ट में रोटेट करेगा राइट में वो एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे एज ए रिजल्ट ये कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव इन रेसिमिक मिक्सचर नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन सपोज आपके पास एल्काइल हेलाइड है हाइड्रोजन के साथ वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके साथ वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन अगर आप एल्कोलिक रिएक्ट करते हो एल्कोलिक स्ट्रॉन्ग बेस बेस नेगेटिव OH क्या करेगा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मूव करेंगे एज रिजल्ट यहां से रिमूव हो जाएगा तो हमारा क्या हो रहा है हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो जाएगा इस में. इस रिएक्शन रिएक्शन में को तभी हम कहते हैं डी हाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन और हमारा बन जाएगा एल्किन तो हमारा बन जाता है प्रोपीन और साथ में याद रखना क्योंकि बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं सपोज हमने एक और कंपाउंड लिया है, ये अल्फा कार्बन होगा जिसके साथ बी अटैच है और इस कंपाउंड में हमारे दो बीटा कार्बन होंगे ठीक है और इसके बीटा हाइड्रोजन एक यहाँ पे होगा यहाँ पे हो, हो सकता है अब एच में यहाँ से भी हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है यहाँ से भी हो सकता है तो हमारे दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे सपोज एक यहाँ से रिमूव हो गया तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा इसे बोलेंगे पेंट टू इन और अगर यहाँ से रिमूव हो गया तो हमारा बनेगा पेंट वन इन अब याद रखना इनमें से एक जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा क्वान्टिटी में बनेगा और एक कम तो ज्यादा स्टेबल जो होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा उसके लिए हम देखेंगे सीड्स सीड्स एफ एफ रूल रूल बताता है प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्किन विद ग्रेटर नंबर ऑफ एलकाइल ग्रुप अटैच टू तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आपको डबल बॉन्डेड कार्बन एटम देखने हैं और देखना है उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है इसमें आप देखोगे एक ये अटैच है के तो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप अटैच है और इस कंपाउंड में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सो एज ए रिजल्ट ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू सेट ए रूल थर्ड हमारा रिएक्शन विद मेटल्स अगर आपके पास एल्काइल हेलाइड है मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ ये बनाता है आर एम जी बीच में आया था आर एम जी एक्स इसे बोलते हैं ग्रिग्नोड रिएजेंट और इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ये ऑर्गेनिक पार्ट है ये मेटेलिक पार्ट है तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड अब ग्रिग्नोड रिएजेंट में क्या होता है मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है तो एल्काइल ग्रुप आता है नेगेटिव चार्ज और सपोज आपने वाटर लिया तो ये जो नेगेटिव ग्रुप है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा इसका हाइड्रोजन जोड़ लेगा हमें मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन और एम OH जुड़ जाएगा ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें वुड्स रिएक्शन की आपने एलकाइल हेलाइट को सोडियम ड्राई में के साथ रिएक्ट करोगे तो याद रखना एल्काइल ग्रुप खुद के साथ जुड़ जाता है तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं उस हाइड्रोकार्बन में साथ में हमें NaX मिलता है नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हैलो एर इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन याद रखना आर लेस रिएक्टिव ये कम रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इसके रीजन पढ़ेंगे सबसे पहला है रेजोनेंस इफेक्ट याद रखना आपके पास सपोज क्लोरोबेंजीन है ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है जो इलेक्ट्रॉन है रिंग के अंदर मूव करते हैं रिंग के अंदर मूव करने से याद रखना जो कार्बन और क्लो, क्लोरीन है इसके बीच में आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड तो ये बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ये बॉन्ड डिफिकल्ट है ब्रेक करना एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन इसमें क्या हो जाती है डिफिकल्ट होती है नेक्स्ट इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन हमें पता है एस एन रिएक्शन में क्या होता है कार्बोकेटाइन बनता है तो सपोज आपके पास क्लोरोबेंजीन है सबसे पहले अगर आप इसमें से क्लोरीन रिमूव भी कर दिया आपने तो इसमें जो कैटाइन बनेगा जो ये कैटाइन बनेगा याद रखना फिनाइल कैटाइन काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता सो एज ए रिजल्ट एस एन वन मैकेजम भी शो नहीं करेगा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन हेलो एल्केन्स में क्या होता है जो कार्बन होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हेलो के कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और याद रखना इसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इस कार्बन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसका बॉन्ड स्ट्रांगर होता है तो हेलो एरिन का sp2 कार्बन के जो बॉन्ड होगा क्लोरीन से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज ए रिजल्ट रिएक्शन नहीं होता है और लास्ट में

सीएल की जगह ओ एच OH अटैच कर सकते हो हमारा फिनोल बन जाएगा अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाए हम क्या कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज कर देता है इसकी रिएक्टिविटी सपोज आपने पैरा पोजिशन पे एनओ टू अटैच किया अब एनओ टू क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा एज ए रिजल्ट रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी तो ये रिएक्शन हो जाएगी 443 फोर्टी थ्री कैलविन अगर आप चाहते हो रिएक्शन थोड़ा और तेज हो जाए तो हम एनओ दो पोजिशन पर अटैच कर सकते हैं औरतो पैरा पे तो थ्री सिक्सटी पे भी क्या होगा क्लोरिन की जगह ओ OH अटैच हो जाएगा और अगर आपने तीनों पोजिशन पर अटैच किया दो ऑर्थों और एक पैरा पोजिशन पे एनओ तो याद रखना क्या होगा ये अटैच हो जाएगा ओनली अगर आप वाटर को थोड़ा वार्म करोगे तो OH अटैच हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सपोज आपके पास क्लोरोबेंजीन है इसमें याद रखना जो क्लोरिन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं प्लस आर इफेक्ट होता है एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अब याद रखना जो हमारे पास हेलोजन होता है वो माइनस आई इफेक्ट भी करता है शो करता है बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एज ए रिजल्ट क्या होता है वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता भी है तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होती है वो थोड़ी स्लो होती है सबसे पहले हम बात करेंगे हेलोजिनेशन क्लोरोबेंजीन लिया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड एनहाइड्रस एफीसीएल थ्री एंडहाइड्रस एफीसीएल थ्री याद रखना एक सी एल को ले लेता है सी एल प्लस हमारा बन जाता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो ऑर्थोपैरा पोजिशन पर अटैच हो जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो में बनेगा वन टू डाई क्लोरोबेंसीन और पैरा भी बनेगा वन फोर डाइक्लोरोन और याद रखना पैरा में ज्यादा सिमिट्री होती है तो ये हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी मेजर क्वानिटी में बनेगा नेक्स्ट हम नाइट्रेशन करेंगे क्लोरोन की इन प्रेजेंस ऑफ एच एन ओ थ्री एच टू एसओ फोर इसे बोलते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमारा एनओ टू प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है वह ऑर्थोपैरा तो पे अटैच हो जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वन क्लोरो टू नाइट्रोबेनजीन एंड वन क्लोरो फोर नाइट्रोबेनजीन और पैरा बनेगा हमारा मेजर क्वांटिटी में नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फोनेशन की क्लोरोबेंजीन को आप कॉन्सेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर के साथ आप जब हीट करते हो तो हमारा एसओ थ्री एच ग्रुप ऑर्थो पैरा पे अटैच हो जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड फोर क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और फोर क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा मेजर क्वांटिटी में बनेगा नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें दो रिएक्शन होती है सबसे पहले एलकाइलेशन एलकाइलेशन में हम आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं सपोज आपने क्लोरो बेंजीन लिया सी एच थ्री सी एल इन पेस ऑफ एन हाइटस ए एल सी एल थ्री तो ए एल सी एल थ्री सी ए ले जाएगा यहाँ पे आएगा सी एच थ्री प्लस सी एच थ्री प्लस हमारा ऑर्थो तो पैरा पे अटैच हो जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन एंड वन क्लोरो फोर मिथाइल बेंजीन और ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि ये पैरा एसाइलेक्शन में क्या होता है सपोज आपने ग्रुप अटैच क्लोरोबल बॉन्ड ओक होगा सी एस थ्री सी ओ सी एल में सी एल जो है एल सी एल थ्री के पास चल जाएगा हमारा बनेगा सी एस थ्री सी ओ प्लस ठीक है इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा ये अटैच करेगा ऑर्थो तो पैरा पोजिशन पे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो तो में अटैच होकर बनेगा टू क्लोरो एसिटोफिनोन ये माइनर क्वांटिटी में बनेगा एंड यहां बनेगा फोर क्लोरो एसिटोफिनोन जो मेजर क्वांटिटी में बनेगा नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल सबसे पहले वुड्स फिटिंग रिएक्शन सपोज के पास अराइल लेते हो सोडियम और ईथर में रेड करते हो तो, तो दोनों तो दो बेंजीन क्या हो जाते हैं पार्ट अटैच हो जाते हैं रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल प्लस टू फॉर्म नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन सबसे पहले हमारा डायक्लोरोमिथेन विच इज सी एस टू सी एल टू इसके यूजेस बताते हैं इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट वाइडली यूज सॉल्वेंट है ये पेंट को रिमूव करने के लिए एंड प्रोपेलेंट इन एरोसोल जैसे हमारे पास डिओड्रेंट के कैन्स होते हैं उसमें स्प्रे को बाहर लाने के लिए इट कैन बी यूज एज ए प्रोपेलेंट और काफी ज्यादा इसके हार्मफुल इफेक्ट है अगर हमने इसको इनहेल कर दिया इट कैन कॉज हार्म टू दी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर लोअर लेवल है इट कैन इम्पार्ट हेयरिंग एंड विजन विजन और हेयरिंग आपकी इम्पार्ट हो सकती है हायर लेवल में डिजीनेस एंड नोसी कैन कम अगर डायरेक्ट स्किन के ऊपर कॉन्टेक्ट है तो इट कैन कॉज बर्निंग एंड रेडनेस और आई में इट कैन बर्न कॉर्निया नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राई आयोडोमिथेन विच इज सी एच सी एल थ्री विच इज आइडोफॉर्म आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक है वोट की ड्रेसिंग में यूज होता है क्योंकि इसमें आयोडीन लिबरेट होता है जो एज ए एंटीसेप्टिक काम करता है ड्यू टू तो ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इसकी स्मेल थोड़ी ऑब्जेक्शनेबल थी सो तो इसको हमने रिप्लेस किया अदर फॉर्मुला ऑफ द आयोडीन नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राई क्लोरोमिथेन की इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म सी एस सी एल थ्री सबसे पहले इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रे फ्री ऑन रेफ्रिजरेंट फ्री जो होता है रेफ्रिजरेटर को कूल cool रखने में हेल्प करता है और उसका टाइप है एक आर ट्वेंटी टू इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट काफी ज्यादा सॉल्वेंट एज ए यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें रेजिन रबर फैट एल्कोनाइड या आयोडीन इसमें डिजॉल्व हो सकते हैं इट इज यूज फॉर अ प्रिपेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स कॉल्ड एज फ्लोरिटोन फ्लोरिटोन इज ए टाइप ऑफ सेलिटिव इंसेक्टिसाइड के लिए भी यूज करते हैं हमसे क्लोरोपिक्रीन एंड प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव मतलब आपको कोई भी एनाटोमिकल स्पीशीज को प्रिजर्व करना है तो हम क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या है अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो एक हार्मफुल गैस बनाता है फॉस चीन विच इज सी ओ सी एल टू अगर आपने इसे इनहेल कर दिया इट कॉज इज डिप्रेशन टू द सी एन एस डिजीनेस फंड एंड एक इट कैन कॉज नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्रा क्लोरोमिथिन सी सी एल फोर याद रखना ये रेफ्रिजरेंट एंड एज ए प्रोपेलेंट यूज होता है इट ऑल्सो हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरो क्लीनिंग एजेंट एंड इट इज ऑल्सो यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर और इसे हम बोलते हैं तब पाई ठीक है हार्मफुल इफेक्ट क्या है इट कैन कॉज लीवर कैंसर अगर आपने ये ज्यादातर यूज किया है डिजीनेस नोसिया परमानेंट डैमेज टू द नर्वस एंड इट कैन कॉज इरिटेशन टू द आई एंड इट कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा फ्रियॉन्स फ्रियॉन्स क्या होते हैं क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आपने क्या किया मिथेन और इथेन के हाइड्रोजन को क्लोरीन या फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो जैसे सी एफ टू सी एल टू से बोलते हैं -फ्लोरो हम फ्लोरोबन और फ्रिय हम प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे फ्रियन टी सी एल टू एफ टू हम टेट्रा क्लोरो मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे मेटेलिक फ्लोराइड क्या करेगा दो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा इसे हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन ठीक है अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल नॉन रिएक्टिव नॉन टॉक्सिक नॉन क्रोसि और ये यूज होता है फॉर एरोसोल प्रोपोलेंट रेफ्रिजरेशन और एसी में भी ये यूज होता है हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि जब ये स्टेटोसफेयर में जाता है तब ये शुरू करता है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन और ये रिएक्ट करता है ओजोन से और ये डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को लास्ट हमारा कंपाउंड है डीडीटी। इसे हम बोलते हैं पैरा पैरा डाइक्लोरोडाइफिनाइड डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोन ठीक है पेरा -पेरा ये इसका स्ट्रक्चर है इसे प्रिपेयर करते हैं बाय कंडेंसेशन ऑफ कोरल विद क्लोरोबेंजीन इन कॉन्सेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या यह इंसेक्टिसाइड है अगेंस्ट द मॉस्किटोज हार्म क्या है इट हैज मैनी स्पीशीज आर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा जो मॉस्किटो की स्पीशीज है वो इससे रेजिस्टेंस हो चुकी है इट इज टॉक्सिक टूअर्ड द फिश फिक्स फिश के लिए काफी टॉक्सिक है इट इज केमिकली स्टेबल एंड फैट सॉल्युबल तो ये बॉडी में क्या हो सकता है सॉल्युबल हो सकता है स्टेबल कित फॉर्म में रहता है एंड इट कॉज मैनी हार्म्स एंड नॉन मेटाबोलाइज बाय एनिमल्स एनिमल्स इसके बॉडी में इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं आई होप आपको हेलो एल्केन्स हेलो एल समझ आया हो सिमिलर वीडियोज मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेक कर सकते हो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय